Hi friend, this is Taukeer Alam here. Today we are going to learn about apna apni apne. Friends, आज का लेसन आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है. क्यों? क्योंकि अक्सर हम बात करते हुए अपने सेंटेंसेस में अपना अपनी अपने बोलते हैं. जैसे मैं अपने घर में हूँ, तुम अपने देश में हो, वह अपने कमरे में है, मैं अपने फील्ड में हूँ, वे लोग अपने दुकान में हैं. तो फ्रेंड्स, अक्सर हमें ऐसा कहना पड़ता है अपना अपनी अपने. तो चलिए सीखें कि आप अपना अपनी अपने के लिए क्या वर्ड यूज कर सकते हैं. फ्रेंड्स, वर्ड अपना अपनी अपने के लिए हम कोई एक पर्टिकुलर वर्ड यूज नहीं करते हैं. कंडीशन के अकॉर्डिंग हम बहुत सारे वर्ड्स यूज करते हैं. तो चलिए फ्रेंड्स, देखते हैं वो क्या वर्ड्स हैं जो अपना अपनी अपने के लिए यूज किया जाता है. फ्रेंड्स, मैंने यहाँ पर एक एग्जांपल लिखा हुआ है. मैं अपने घर में हूँ और उसका ट्रांसलेशन हुआ आई एम इन, और मुझे यहाँ पर अपना की अंग्रेजी लिखना है. तो क्वेश्चन है कि अपना का अंग्रेजी क्या लिखा जाए. तो फ्रेंड्स, मैं आपसे कहूँगा अगर आपका सब्जेक्ट आई है तो अपना की अंग्रेजी माई लिखी जाएगी. तो अपना की अंग्रेजी माई होगा. फ्रेंड्स, बाय गॉड अगर यहाँ पर यू रहता तो अपना की अंग्रेजी योर होता. बाय गॉड अगर यहाँ पर वी रहता तो अपना का अंग्रेजी अव. बाय गॉड अगर यहाँ पर ही रहता तो अपना की अंग्रेजी हिज. अगर यहाँ पर शी लिखा रहता तो अपना का अंग्रेजी हर. अगर यहाँ पर दे लिखा रहता तो अपना की अंग्रेजी देयर. अगर यहाँ पर इट लिखा रहता तो अपना की अंग्रेजी इट्स. तो फ्रेंड्स, अब आपको बात समझ में आ रहा होगा कि अपना अपनी अपने के लिए हम क्या वर्ड यूज करेंगे. अगर सब्जेक्ट आई है तो किसी भी सूरत में अपना की अंग्रेजी माई होगा. अगर आपका सब्जेक्ट यू है, यानी सबसे पहला वर्ड यू है, तो अपना का अंग्रेजी योर. वी का अवर. अगर ही है तो हिज, शी है तो हर, दे है तो देयर, और इट है तो इट्स का यूज करेंगे. जैसे तुम अपने घर में हो, यू आर इन योर होम या हाउस. हम अपने देश में हैं, वी आर इन आवर कंट्री. वे लोग अपने खेत में हैं, दे आर इन देयर फील्ड. वह अपनी दुकान में है, ही इज इन हिज शॉप. वह अपने स्कूल में है. अगर बात किसी फीमेल की हो तो आप कहेंगे सी इज इन हर स्कूल. तो फ्रेंड्स, यहां आपने सीखा कि अपना अपनी अपने के लिए कोई एक पर्टिकुलर वर्ड यूज नहीं कर सकते हैं. अगर सब्जेक्ट आई है तो अपना के लिए माई लिखा जाएगा. अगर यू है योर, वी है अवर, ही हिज शी हर, दे देयर इट इट्स. लेकिन फ्रेंड्स, अभी यहां पर बात खत्म नहीं हुआ, क्योंकि अभी अपना अपनी के लिए आपको एक और वर्ड सीखना होगा. वो क्या वर्ड है चलिए देखते हैं. फ्रेंड्स, बाय गॉड अगर आपके सेंटेंसेस की शुरुआत दिस दैट दीज दोज हो, यानी सब्जेक्ट के तौर पर दिस दैट दीज दोज आया हो, तो फ्रेंड्स इस तरह के वाक्य में अगर अपना लिखा होगा तो अपना की अंग्रेजी इनमें से कोई नहीं लिखा जाएगा. यहां अपना की अंग्रेजी आप ऑन लिखेंगे. यानी अगर आपके सेंटेंसेस की शुरुआत दिस दैट दीज दोज से हो और उसमें अपना लिखा हो तो इन चारों वर्ड्स के लिए अपना का अंग्रेजी ओन होगा. दैट इज ओन हाउस. यह अपना गांव है तो आप कहेंगे दिस इज ओन विलेज. वह अपना स्कूल है, दैट इज ओन स्कूल. तो फ्रेंड्स, उम्मीद है कि अब आप सीख चुके होंगे कि अपना अपनी अपने के लिए अगर आपका सब्जेक्ट आई है तो अपना के लिए माई, यू का योर, वी का अवश्य, ही का हिज, शी का हर, दे का देयर, इट का इट्स. लेकिन अगर आपके सेंटेंसेस के शुरुआत This, that, these, those, हो तो अपना की अंग्रेजी ओन होगा. फ्रेंड्स, अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो इसे शेयर जरूर कीजिएगा.
मेरे कॉन्फिडेंस के लिए, ताकि मैं आपके लिए हर रोज एक नया लेसन ला सकूं। फिर मिलते हैं एक नए वीडियो में, तब तक के लिए बाय।